दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज। जी हां दोस्तों, हिमाचल में चार दिन भारी बारिश की चेतावनी, 10 जिलों में अलर्ट हुआ जारी। तो दोस्तों हिमाचल में चार दिन भारी बारिश की संभावना है और दोस्तों 10 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। तो दोस्तों कौन से 10 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है और दोस्तों कहां चार दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना मौसम की जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हिमाचल में मौसम विभाग ने अगले चार दिनों भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है, जिसके मद्देनजर 10 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक सुरेश पाल ने बताया कि आज हिमाचल प्रदेश में बारिश की गति बढ़ेगी और चार दिन मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। उन्होंने कहा है कि 25 से 28 जुलाई तक राज्य में बारिश का दौर चलेगा। दोस्तों 25 जुलाई को येलो जबकि 26 से 27 और 28 जुलाई को रेड अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों ये अलर्ट लाहौर, स्पीति एवं कन्नौज को छोड़कर अन्य सभी जिलों में रहेगा। प्रदेश में 30 जुलाई तक मौसम के खराब रहने की संभावना है। दोस्तों आपको बता दें कि लोगों का, पर्यटकों को भी सावधान करने की सलाह, यानी सुरेश पाल ने कहा है कि व्यापक बारिश की आशंका के चलते नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है, भूखनन की घटना हो सकती है, ऐसे में लोगों व पर्यटकों को सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी बीच बीते 24 घंटों के दौरान बैजनाथ में 2, पंडोह में 17 और जुम्बाहट्टी में 14, पालमपुर में 13, सिंदूर में और सहारन में 9-9 किलोमीटर बारिश हुई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान उमा में 33 डिग्री और सबसे कम लौलौर स्पिंग के केवलांग में 12.7 डिग्री दर्ज किया गया है। दोस्तों प्रदेश में 31 सड़कें अभी भी बंद हैं। बरसात का सबसे बुरा असर परिवहन सेवाओं पर पड़ रहा है। जगह जगह भूखनन के कारण कई सड़कें 5 से 6 दिन से परिचित हैं। राज्य भर में आज 31 सड़कों पर वाहन की आवाजाही बंद रही है। दोस्तों पीडब्ल्यूडी का दावा है कि 122 जेसीबी, लोलर और डिम्पर सड़कों को बहाल करने के लिए लगे हुए हैं। दोस्तों शेष सड़कों को आज तक खोल दिया जाएगा। दोस्तों पीडब्ल्यूडी को अब यानी बरसात के कारण 271.91 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। शिमला जोन में 47.55 करोड़ रुपए, मंडी जोन में 43 करोड़ रुपए, हमीरपुर जोन में 66.79 करोड़ रुपए, कांगड़ा जोन में 100.16 करोड़ रुपए और शिमला शाहपुर NH जोन में 14.39 करोड़ रुपए की क्षति हो चुकी है। दोस्तों इतना नुकसान हो चुका है पीडब्ल्यूडी को। और दोस्तों हिमाचल में चार दिन भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और दोस्तों इन जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया, यानी इन 10 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना मौसम की जानकारी पाने के लिए चैनल